अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जिस सेलिब्रेशन के मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, टाइटल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस चीज़ की सेलिब्रेशन है, तो बेबी की हाफ बर्थडे की सेलिब्रेशन है ये। ये हैं बेबी बर्थडे गर्ल्स की गिफ्ट, कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट वगैरह, और कुछ यहाँ पर मैंने अपने लिए ली हैं चीज़ें, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 6 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल्स के लिए हमने क्या क्या गिफ्ट लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी भी क्या क्या है। तो आपको डॉल नज़र आ रही है, मैं पास से दिखाती हूँ। ये एक डॉल है अमल के लिए, सही। और ये मैंने लिया एक माशा एम्बियर की डॉल, जो कि बहुत अच्छी लगती है बेबीज को। और ये बड़े भाई के लिए है, कार रिमोट वाली, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ये वाली कार है, ये माशा भी है। ये मैंने कुछ लाइट ली, एलईडी लाइट मुझे मिल गई थी तो मैंने वो वाली लाइट्स ली हैं। और ये है टॉय बेबी के लिए, डॉल भी इसमें है। ये बड़ा क्यूट क्यूट टॉय है। और ये है सेकेंड ट्विन बेबी के लिए, जो कि मोमल के लिए है, वो अमल के लिए थी। तो ये है डेकोरेशन का थीम, आपको अंदाज़ा हो जाएगा गोल्डन का कलर का थीम है। ये बॉक्स जो है मैं मामा के लिए लेकर आई हूँ। अब देखते हैं कि उनको दे कहाँ यूज़ करती हैं, किचन में यूज़ करती हैं या अपने ड्रेसिंग टेबल भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपना भी दिखाया था आपको। ये बहुत इस पर स्पेस है, तो ये 3 ड्रॉर वाला है। तो मामा को अब देखती हूँ, मामा को पसंद तो आया है, वो कहाँ यूज़ करती हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलें आप करते हैं डेकोरेट। और बैलून मेरी बहन फुला रही है, तो उसके बाद हम लोग उसको करेंगे थोड़ा सा। इतना ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, बस ये थीम हमने लिया था तो इस वजह से। और सिल्वर कलर की लाइनिंग की कोई चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थे बर्थडे गर्ल्स के लिए गिफ्ट, 6 मंथ की बेबी गर्ल्स के लिए जो है हमने गिफ्ट लेकर आए थे, इसीलिए बाहर गए थे। और यहाँ पे कुछ तैयारी शुरू हो गई है सेलिब्रेशन की। कुछ थोड़ा बहुत हमने सजाया, इतना ज़्यादा सजाया नहीं है, क्योंकि 6 मंथ की बर्थडे पे इतना ज़्यादा सजाना अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हमें नॉर्मली सजाया है, हाफ वे टू वन। ये मेरी सिस्टर ने बनाया था, और नीचे हम लोगों ने वो सिल्वर लाइनिंग जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लेकर आए थे। तो यहाँ केक पे हम लोग लिख रहे थे हैप्पी बर्थडे, तो बस वो केक हाफ ही हमने बनवाया था, क्योंकि हाफ बर्थडे थी इस वजह से हाफ हाफ बर्थडे के केक हमने बनवाए थे। और यहाँ पे लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे। ये केक था पाइनएप्पल एंड वेनिला, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बनिस्बत चॉकलेट केक से मुझे वेनिला और पाइनएप्पल का केक बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से हमारे घर में ज़्यादा सब लोगों को यही पसंद है। तो बस ये केक आ गए हैं। बर्थडे गर्ल की तैयारी भी आप लोगों को देखनी है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस क्लिप के बाद। आए देखते हैं ट्विन बेबी गर्ल्स की हाफ बर्थडे की तैयारी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बेबी गर्ल्स कैसी लग रही थी, मोमल एंड अमल कैसी लग रही थी। तो ये देखिए फाइनल लुक बेबी गर्ल्स की हाफ बर्थडे के लिए। तो यहाँ उनका फोटो शूट हो रहा था। और ये वाले जो शूज़ है मेरी मामा ने बनाए हैं। अगर आप लोगों को इनका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मामा को बोल के आप लोगों के लिए वो वीडियो शूट कर लूँगी, ताकि आप लोग भी आराम से घर में बना लें, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और यहाँ पे केस्ते में तो मिलते ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मिलते हैं, तो ये इतनी सी चीज़ एक्सपेंसिव होती है। तो ये 5 to 10 मिनट्स का काम है, आप जल्दी जल्दी बना लेंगे। आपके पास बीड्स होने चाहिए। अगर आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ बेबी का फ़ोटो शूट हो रहा था,
और यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं हम लोग। और मोमल अमल तो नहीं काटेंगे क्योंकि बहुत छोटी हैं, 6 मंथ की बेबी, तो उनके बड़े भैया जो हैं वो काटेंगे केक। तो दोनों केक जो हैं अरहम ने काटे थे, और अरहम हैप्पी भी बहुत होता है केक काटने में, उसको अपने बर्थडे पे भी बड़ा शौक होता है कि वो केक कटिंग करे, तो वो केक कट कर लेता है। अपनी पिस्टर्स का भी उसने कर लिया था। तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी और यहाँ पर फ़ोटोशूट की तैयारी हो रही थी, जो कि हम लोग बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर रहे थे। और आप लोगों को बताऊँगी बिहाइंड द शूट क्या होता है। तो ये थोड़ी सी सेलिब्रेशन की थी, हमें सिंपल सिंपल रखना था, इस वजह से हमने गोल्ड एंड ग्रे का थीम लिया था और हाफ वे टू वन ये बैनर लगाया था, और ये सिल्वर के कुछ इस तरह, तो बिल्कुल सिंपल हमने रखा था कि अच्छा लगे, क्योंकि फुल बर्थडे में तो फिर वो अच्छा खासा हो जाता है, इस वजह से ये सिंपल रखें ताकि डिफरेंट लगे कुछ। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बिलो। और अब आपको मैं दिखाऊंगी बिहाइंड द शूट क्या होता है, जो आपको 1 मिनट की पिक्चर नज़र आ रही होती है, ये 1 सेकंड जो आप पिक्चर देखते हैं उसके बिहाइंड क्या पूरा सीन चलता है, बेबी रो रही होती हैं, कभी क्या हो रहा होता है, कभी क्या हो रहा होता है, इस तरह से होता है। कभी एक पिक्चर लेने के लिए आपको 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये अभी हम लोग पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोमल को इतनी शदीद नींद आई हुई है इस तरफ, आप लोग देख सकते हैं वो गिरने वाली होंगी। लेफ्ट साइड वाली मोमल है और राइट साइड वाली अमल है। तो मोमल बड़ी है, मोमल को बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी और वो फोटोशूट करने ही नहीं दे रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिक्चर अच्छी आ गई। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी फोटोज। अभी हम सब पोएम पढ़ रहे हैं ताकि ये लोग स्लिपी स्लिपी ना लगें, इनकी पिक्चर्स अच्छी आ जाएं। बट आप मोमल को देख सकते हैं, वो अभी भी ना नींद में जा रही है। तो हमने कहा पिक्चर्स ले ले, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे, और मैंने जाना था मक्का उमरा के लिए और मेरी परमिट आ गई थी, इस वजह से मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उमरा कर लेते हैं। इस वजह से हम लोग उमरा करने के लिए जाना था, इसमें जल्दी जल्दी सारे काम किए और हमने डिनर जो है पोस्टपोन कर दिया। वो जब होगा वो मैं इसका व्लॉग शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मोमल जा चुकी हैं, जैसे आप लोगों को पता था उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। अभी अमल जो है वो डॉल के साथ, जो उन्हें गिफ्ट मिला है नानों की तरफ से और खाला लोगों की तरफ से, वो उनके साथ प्ले कर रही हैं। और ये गिफ्ट मैं और मेरी बहन लेकर आए हैं अपनी भांजियों के लिए। तो अमल अपना फ़ोटोशूट अभी करा रही है, उन्हें नींद नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें भी नींद आ जाएगी, ये होता है छोटे बेबीज का। तो बस मैंने कहा आपको पूरा फुल व्यू दे दूं। गोल्ड एंड सिल्वर का थीम था, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, और सिंपल डेकोरेशन भी बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्लिप में मैंने आप लोगों के साथ बर्थडे गर्ल्स का फ़ोटोशूट शेयर किया मोमल एंड अमल का, वो आप लोग देख लें। और थैंक यू सो मच आपका, जिस लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया छोटी बेबीज को, सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह किया, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर। और फोटोज मैं एंड पे लगा दूंगी और आप लोग बताइएगा बेबीज कैसी लग रही थी, और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।